जस्ट ऑटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सर ये मेरा BLDC मोटर है, देखो क्या हो गया, चल रहा नहीं, कैसे चेक करना है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये EV व्हीकल का BLDC मोटर का वाइंडिंग है, कैसे चेक करते हैं? ये हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनका भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि इसको कैसे चेक करें, बाइक में लगे लगे कैसे चेक करें, स्कूटी में लगे लगे कैसे चेक करें, अगर हम बाहर निकाल के लाए हैं तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, है ना? तो चेक करने का बहुत ही एक ईजी प्रोसेस मैं बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मल्टीमीटर लेते हैं, तो इसको पकड़ के रखिए आप। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर लेते हैं। हमने एक मल्टीमीटर लिया, देख पा रहे हैं आप? हाँ सर। मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, 200 ओम मोड पे सेट करेंगे। तो हमने 200 ओम मोड पे सेट किया। अब हम इसके जो रेड प्रोब एंड ब्लैक प्रोब दोनों हैं, अब इसके जो वायर आपको पता है शायद, ये हमारे हॉल टाइप सेंसर के वायर हैं, पतले वाले वायर हॉल टाइप सेंसर के वायर हो गए, और ये हमारे किसके वायर हो गए, ये थ्री फेज इसके कनेक्शन के वायर, ये यहाँ पर दिख रहा है ना? तो हम इसको चेक करके देखते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस हम जब चेक करके देखेंगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू इसका 1.5 से लेकर 0.5 से लेकर 2.5 के बीच में आना चाहिए, ये रेजिस्टेंस वैल्यू इसका रहेगा। तो देखते हैं कितना आता है, अगर इससे ज़्यादा आता है, इससे कम आता है तो मोटर ख़राब माना जाएगा। अभी देखिए कुछ भी नहीं बता रहा है, ये यहाँ पर लगा के देखते हैं, ये हमने लगा के देखा, अभी देखिए 2.5 के आसपास में आ रहा है, इसमें लगा के देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं बता रहा। तो हमारा ये BLDC मोटर वाइंडिंग पूरा ख़राब हो चुका है ना? तो इस वजह से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू इसमें नहीं बता रहा। अब इसमें क्या ख़राब हो चुका है, अगर हम देखेंगे तो इधर का वाइंडिंग हमारा कंप्लीट होके, ये वाइंडिंग हमारा देख पा रहे हैं पूरा कंप्लीट होके है, बट इधर की वाइंडिंग अगर हम देखेंगे तो वाइंडिंग टूट चुका है, है ना? तो ये वायर जैसे टूट गया है, तो इस वजह से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मल्टीमीटर में शो नहीं कर पा रहा, ये ख़राब है। अब हम बाइक में लगे लगे चेक करते हैं, स्कूटी में लगे लगे चेक करते हैं, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम पोजीशन रखेंगे, मल्टीमीटर की पोजीशन हमारे 200 ओम मोड पर रखेंगे, और ये हमारी जो मोटर के वायर हैं थ्री फेज, एक हम इस पर लगाएंगे और एक हम इस पर लगा लेते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू देखेंगे 1.4 के आसपास में रहेगा। इसको हम नेगेटिव पे कभी भी नहीं लगाएंगे, बॉडी अर्थ पे कभी नहीं लगाते, ये रॉन्ग तरीका रहेगा। ये हमने यहाँ पर लगा के देखेंगे, 1.4-1.5 के आसपास में आना चाहिए। दूसरा कॉयल, दूसरा वायर पे हम लगा के देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा इतने ही लगभग में आना चाहिए, सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है ना? तो हमने मल्टीमीटर के माध्यम से मोटर की वाइंडिंग को कैसे चेक करते हैं, हमने सीखा। इस प्रकार से और भी अधिक जानकारी लेने के लिए